चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज, द आरएमएस वैल्यू इज, सो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 एम्पियर, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू इंटू आई आरएमएस, तो रूट टू आई आरएमएस की वैल्यू 20, तो 20 रूट टू हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू 20 रूट टू। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ क्वेश्चन में कितनी 75 हर्ट्ज, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 75 यानी 150 पाई, ओमेगा की वैल्यू 150 पाई, ठीक है, ये वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू क्या आई 20 रूट टू इंटू साइन 150 इंटू पाई इंटू टी, ये आएगा 150 पाई इंटू टी, ये I की वैल्यू आ गई, तो I की वैल्यू 20 रूट टू हो गई प्लस इंटू साइन 150 पाई टी, ये वाला B वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो D और B सेम है क्या, हाँ सेम है, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, तो बी और डी दोनों ही सेम है, तो बी वाला ऑप्शन दे दो या डी वाला ऑप्शन, दोनों ही दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।